जब समय कठिन हो जाता है, जब हम उस जगह पर होते हैं जहां हम जाना नहीं चाहते, तो ये विचार करना आसान होता है कि किसी भी तरह हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर हैं। आखिरकार सफलता परमेश्वर के आशीर्वाद के बराबर ही तो है, क्या यह सच नहीं है? मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे पता नहीं है कि आपने बपतिस्मा लिया है या नहीं, लेकिन मेरा बपतिस्मा एक काफी सामान्य मामला था। मुझे गलत मत समझिए, ये वास्तव में मेरे लिए विशेष था, लेकिन फिर भी सामान्य। दूसरी ओर जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो बाइबल बताती है, मत्ती उसका 3:16 से लेकर 4:1 तक, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अवास्तविक? अगर वह मैं होता तो मैं सोचता, वाह क्या बात है, मैं निश्चित रूप से परमेश्वर के राज्य में सफलता के लिए एक फास्ट ट्रैक पर हूं। लेकिन यीशु के आगे जो कुछ होता है वो मुझे डरा देता है। सुनिए मत्ती की पुस्तक में क्या लिखा है, मत्ती उसका 4:1 में, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वास्तव में ये थोड़ा नरम है। मूल रूप से ग्रीक में लिखा गया है कि परमेश्वर की आत्मा ने उसे बाहर निकाल दिया और उसे रेगिस्तान में ले जाकर फेंक दिया। तो इस अद्भुत बपतिस्मे में जहां परमेश्वर ने उसे अपना प्रिय पुत्र कहा, वहीं परमेश्वर ने उसे जंगल में भूखे रहने के लिए, अकेले और कमजोर होने के लिए, शैतान द्वारा परीक्षा के लिए, ये एक बड़ा बदलाव है जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की होगी। और फिर भी परमेश्वर ने अपने बेटे के साथ ठीक वही किया। अगली बार जब आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हो तो ये ध्यान रखें, परमेश्वर की योजनाएं हमेशा आरामदायक नहीं होती, लेकिन वे एकदम सही होती हैं। यही उसका ताजा वचन है आज आपके लिए।